नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी से लाखों के जेवरात लूट लिया। बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में बदमाशों ने ज्वेलर्स व्यवसायी से लाखों रुपए लूट लिए हैं। हालांकि लूट कितने का किया गया इसका अभी तक सही सही पता नहीं लग सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लूट की वारदात हुई है। यहां लूट की घटना ऐसे ज्वेलर्स में हुई है। वहीं इस लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 5 बदमाशों में से एक बदमाश स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया है। इस दौरान लोगों ने बदमाश को खूब पिटाई की, इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस घटना से पीड़ित दहशत में आ गया। फिलहाल पुलिस और भी आरोपी की तलाश कर रही है। मौके पर गांधी मैदान कदमकुआ सहित CDSP अम्बरीश राहुल मौके पर पहुंचे। हम दे देंगे बिल्कुल दे देंगे। हम लोग भी निकाल के अपना फोन लेके दे देंगे। जैसे वादा लगा जितना कमाया था और हम लोग का हम लोग एकदम फकीर हो गए। अब संजीव जी मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है, ऐसे सोनकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष। बाप तो पूरे बिहार में व्याप्त हो गया है अभी का, इधर 8-10 दिन का देखा जाए रिकॉर्ड तो 8-10 दिन से सोने चांदी व्यवसाय पे ही ज़्यादा मतलब हमला हो रहा है। राजीव नगर के बाद अब बाकरगंज, राजीव नगर में गोली चला। अब घायल बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ पे क्या हुआ है? 2 बजे के आसपास की घटना है। ग्राहक बन के आया, छत के ऊपर में होलसेल दुकान है SS ज्वेलर। ग्राहक बन के आया, वो अपना सब पिस्तौल भिड़ा करके गेट बंद करके सारा माल थैला में रखवा लिया, 2-3 बैग में रखवा लिया और पिस्तौल के जोर पर गेट खुलवा करके बाहर भाग गया। क्या कोई पकड़े भी गए? एक पकड़े गए हैं थाना में। माल बरामद नहीं हुआ है, माल थोड़ा सा 100-200 ग्राम के आसपास। क्या मांग करते हैं आप ऐसे में? व्यावसायिक वर्ग क्या मांग करती है? हम लोग तो पूरे बिहार हम लोग मतलब भय के वातावरण में जी रहे हैं और व्यापारी वर्ग यहाँ से मतलब पलायन कर जाएगा, ये स्थिति रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि अमन चैन शांति के जिंदगी हम लोग जिए, आप इतना सुरक्षा मुहैया कराइए कि हम लोग अमन चैन से व्यवसाय अपना करें, और नहीं तो हम लोग भी अपना रोड पर उतर जाएंगे, हम लोग भी दबाव डालेंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।